ए वाला बटन दबा के हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और ये लाल वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में दबा दीजिए इस घंटी को, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा उसको सबसे पहले आप देख पाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो सबसे पहले सॉरी यार, क्योंकि मैं आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि ये वीडियो कुछ मसालेदार होगी, जो कमेंट हैं कुछ अलग तरीके से होंगे। लेकिन यार इतना काम है कि क्या बताऊँ मैं यार, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो शायद से अगली वीडियो आपको मिलेगी और मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं, क्लियर तो नहीं आ रहा है अभी। मैं 9:30 बज रहे हैं सुबह के, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज है शनिवार। अब तक मेरा Q&A का वीडियो पड़ जाता है, लेकिन यार बिजी रहने के वजह से देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं शुक्रवार को शाम को लगभग 10-11 बजे तक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सुबह तक एडिटिंग करके डाल देता हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, सब गड़बड़ हो गया। और यह वीडियो आपको दोपहर तक या शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रवि कश्यप का। तो ये बोलते हैं कि सर आप यूपी में कहाँ रहते हो। तो रवि भाई, मैं यूपी में आजमगढ़ में रहता हूँ। आपने आजमगढ़ का नाम सुना होगा, यूपी आजमगढ़, आजमगढ़ में रहता हूँ। अगर आप आजमगढ़ के हो या तो कभी आजमगढ़ आना तो मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यस के टेक्निकल से। बोलते हैं कि भाई आपका थंबनेल कुछ और है और टॉपिक कुछ और है। तो नहीं यस के भाई, देखो इनका कहने का मतलब है कि आप क्लिक बेट कर रहे हो। तो नहीं यार, मैं क्लिक बेट नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ कि अभी आज जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन उठा के टाइटल बना लूँगा और वही टाइटल मैं थंबनेल में डाल दूंगा। तो ये गलत क्या है आप बताओ, गलत है क्या। नहीं, अगर मैं टॉपिक में से कोई भी, आपके क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन उठा के उसका टाइटल बना लेता हूँ तो यह गलत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कुछ अलग से डालता तो गलत है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है ओम कुमार मुखिया का। ये बोलते हैं कि अपने नाम का DJ सॉन्ग कैसे कंप्यूटर के तरह तरफ कैसे बनाते हैं। भाई सबसे पहली बात कि अगर आप अपने नाम का ऑफिशियल सॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, और उसमें जो सॉफ्टवेयर पड़ता है FL Studio, FL Studio एक सॉफ्टवेयर होता है बहुत यार, उसमें इतना सारा फंक्शन दिया है ना कि मैं तो खोला तो पागल हो गया। इतना सारा फंक्शन, इतना सारा फंक्शन कि मुझे तो कम ही लगता है कि कम ही सॉफ्टवेयर में उतना होगा। अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आप मोबाइल से ज़िंदगी में नहीं बना पाएंगे। अगर हाँ आप किसी गाने में अपना नाम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मोबाइल से DJ सॉन्ग बना लूं तो इम्पॉसिबल है। अगर आप कंप्यूटर से बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली FL Studio सर्च करना है गूगल में, आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भंवर सिंह भाटी का। ये बोलते हैं कि काइन मास्टर हमारे मोबाइल में नहीं चल रहा है मोबाइल Carbon 3G, कोई वीडियो अपलोड करना, आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए थैंक यू, लेकिन जो आपका सवाल है कि आपके पास कार्बन मोबाइल है उसमें काइन मास्टर नहीं चल रहा है, तो सही बात है यार। जो पुराने मोबाइल हैं, जो 3G के मोबाइल हैं, उसमें बहुत ही कम सपोर्ट करता है, जो काइन मास्टर है बहुत ही कम सपोर्ट करता है। अगर किसी किसी में सपोर्ट कर लेता है तो उसमें लेयर का ऑप्शन ही नहीं आता, जहाँ से हम उसमें वीडियो अपलोड करते हैं लेयर का ऑप्शन ही नहीं आता। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है काइन मास्टर का, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद से आप दूसरे मोबाइल में ट्राई कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अमन खान का। ये बोलते हैं कि वीडियो में बैकग्राउंड कैसे चेंज करूं। तो यार जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं इस पे बहुत ही जल्दी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन सॉरी यार वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। और यार मैं टॉपिक सर्च करके रखता हूँ कि मैं शाम को इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भूल जाता हूँ। तो आई होप कि आपको 2 से 3 दिन में इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, काइन मास्टर के ऊपर, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पप्पू राजा का। ये बोलते हैं कि जब कैमरा एंड फ्लैश ओपन करता हूँ तो मोबाइल ऑफ हो जाती है। इनका मोबाइल है Samsung J5। तो पप्पू भाई, अगर आपके मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, आप अपने खुद हाथों से इसको फॉर्मेट कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सिंपली जाइए मार्केट में,
100-150 रुपये लेगा। आप इसको सॉफ्टवेयर करवा दीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। या तो हो सकता है कि आपका मोबाइल अपडेट मांग रहा हो, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए, बस मुझे यही लगता है, यही प्रॉब्लम होगा। अगला क्वेश्चन है भंवर सिंह भाटी का। ये बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में नेट धीमा चल रहा है। तो यार, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके मोबाइल में नेट स्लो चल रहा है तो 2-3 कारण हो सकता है। पहला कि आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो आपके नेट के स्पीड को स्लो कर देती हैं, मतलब जो आपका नेट है उसको भी वो कंज्यूम करती रहती हैं, लेती रहती हैं, इसकी वजह से आपका नेट स्लो हो जाता है। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपके मोबाइल में नेट की सेटिंग इंस्टॉल ना हो, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। और तीसरी बात, हो सकता है कि आपका जो नेट है 2G है, 3G है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 4G आ गया है, तो 2G 3G तो ये मतलब फालतू हो गया है। तो अगर आप 2G 3G करवाते हैं तो उसमें स्लो चलेगा ही चलेगा। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से इसमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेक्नो प्रिंस से। ये बोलते हैं कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है यूट्यूब से, नियरली ही बता दीजिए। तो प्रिंस भाई, मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब तक मैंने यूट्यूब से कितनी अर्निंग की है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता हूँ यार, जो भी करता हूँ उतने में मैं संतुष्ट हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ बहुत से लोग यार इतना ज़्यादा अर्निंग कर लिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मेरी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, जितना भी है अच्छा है, काम चलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है साहा वर्मा का। ये बोलते हैं कि क्या आप गेम खेलते हो? तो हाँ भाई, मैं गेम खेलता हूँ, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, ना तो कोई मूवी देखने का ना तो कोई गेम खेलने का, टाइम ही नहीं मिलता यार। तो फिलहाल मैं गेम का बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ, मैं तो गेम पहले तो खेलते खेलते जब तक मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती थी तब तक मैं गेम खेलता था। लेकिन अभी क्या है यार कि इतना काम कि मतलब सब छोड़ना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती मतलब काम के पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है हैप्पी शर्मा का। ये बोलते हैं कि मेरा फेसबुक नहीं चल रहा है। तो देखो भाई, अगर आपको जो प्रॉब्लम है, आप अगर वो चीज़ कमेंट करते हो तो शायद से मैं आपको बता दूं, जहाँ तक कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊँगा? तो आप अपना कारण लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना हैश टैग हिंदी में, फिर आपको अपना क्वेश्चन कर देना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके कमेंट को नहीं ले रहा हूँ, पिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट वहाँ पे रहेगा मैं उसको 100% पिक करूँगा। तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पप्पू राजा का। ये बोलते हैं कि सर अपना नंबर दे दो ना प्लीज़। तो हाँ भाई, मैं अपना नंबर देने वाला हूँ, लेकिन जब मेरे 5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तब, अभी नहीं दूंगा, जब 5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तब आप सभी को दे दूंगा, ठीक है, एक बंदे को नहीं सभी को दे दूंगा जब मेरे 5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी क्योंकि जो मेरा माइक का बैटरी है ख़त्म हो गया है, तो इसका बैटरी लगवाना है। तो यार मैं भूल गया था, कल गया था मार्केट लेकिन भूल गया था, तो आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा। अब अगला क्वेश्चन है नेपाली व्हाइट हार्ट का। ये बोलते हैं कि व्हाइट हार्ट बरोबर, हाउ टू मेक इंट्रो लाइक की योर इन एंड्रॉयड फ़ोन, प्लीज़ मेक वीडियो। तो यार इंट्रो बनाने के लिए है एक दो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, तो मैं यार सोचता था कि आप लोग तो जानते होंगे उस एप्लीकेशन के बारे में, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। लेकिन आप जो मैं इंट्रो लगाता हूँ, जो शुरू में वो गोल वाला सा आता है, मैं इसको कंप्यूटर से बनाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से बनाएं इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, बनेगा इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, मतलब काम चलाऊं ठीक रहेगा, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है अरविंद कुमार का। ये बोलते हैं कि नहीं होता है क्या करें? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक वीडियो बनाया था कि अपने फेसबुक फ़ोटो पर लाइक कैसे बढ़ाते हैं, तो उस वीडियो पर इनका कमेंट आया है, ये बोलते हैं कि नहीं होता है क्या करें। तो यार सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हम वीडियो बनाते हैं कोई जादू मंत्र से नहीं बनाते हैं, हम भी लाइव वीडियो बनाते हैं, तो जब हम लाइक बढ़ा सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हो? तो यार टेंशन मत लो, मैं लगभग 17 या 18 तारीख को एक वीडियो डालने वाला हूँ इसी महीने में, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, हो सकेगा तो मैं लाइव आऊँगा और इस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लाइक बढ़ा के दिखाऊंगा मैं अपने खुद के फेसबुक अकाउंट पर। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना पड़ता है, लगता है आप वो सेटिंग कर नहीं पा रहे हैं या तो कुछ तो दिक्कत हो रही है।
अब अगला क्वेश्चन है हिमांशु कुमार का। ये बोलते हैं कि अबे मेरी तो बढ़ नहीं रही है, तेरी कैसे बढ़ गई बे। देखो कितना कितना अच्छे से कमेंट किए, तो क्या करेंगे यार। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि मेरी बढ़ रही है, आपकी क्यों नहीं बढ़ रही? मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए आपकी नहीं बढ़ रही है। तो यार टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? तो आपका जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद मुस्कान का। ये बोलते हैं कि क्या यार बकवास वीडियो है, मुझे तो लाइक नहीं मिला, रिप्लाई करो मुझे। ओके देखो इनका भी वही क्वेश्चन है। तो भाई लोग आप टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी इस पे वीडियो आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा, ठीक है? मैं आपको लाइव कैमरे से करके दिखाऊंगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ एडिटिंग करता है या कुछ चूतिया बनाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतने ही कमेंट थे। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और आप वहाँ पे अपना कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर दूँ, जहाँ तक कोशिश करूँगा। तो अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं कल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाला हूँ, तो 3 बजे संडे को 3 बजे आऊँगा लाइव, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।